हेलो क्लास नाइन्थ, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3, एक्स प्लस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये क्वेश्चन पूरा नहीं आगे मैंने लिखना है, इसमें मैं बता दूंगा अभी आपको सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, वैसे सॉल्व किया गया है। सॉल्व करते करते जब हम एक्स की वैल्यू लाए, 0.99 को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लाए, तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में यही बचा हुआ है कि आर यू सरप्राइज विद योर आंसर? यस, एक नज़र से देखा जाए तो हम सरप्राइज तो होंगे ही कि 0.999 जो है वो 1 के इक्वल कैसे आ सकता है, लेकिन हो सकता है। कैसे? अगर 0.99999 फॉरएवर आगे कंटिन्यू ये अगर इनफाइनाइट तक चलता रहे, यानी कि इसके और 1 के बीच में कोई गैप ही नहीं है, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, What can the maximum number of digits be the recurring block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. Division तो आप perform करेंगे yourself। मैं सिर्फ आपको ये बता दे रहा हूँ question पूछ क्या रहा है, कैसे हम find out करेंगे। Maximum number of digits in recurring block कितनी होंगी in the decimal expansion of 1/17? यानी कि 1 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा। तो जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा उसमें कितनी डिजिट्स आएंगी, कितनी डिजिट्स का सेट एक साथ रिपीट करेगा, ये पता करना है। तो बहुत आसान, अच्छी बात यह है कि यहाँ 1/17 दिया गया है। देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिकरिंग ब्लॉक फॉर द नंबर 1/n, जब 1/n करके नंबर दिए जाएं तो रिपीटिंग ब्लॉक में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो n माइनस 1 होंगी। तो सिंपली फॉर 1/17 नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिकरिंग ब्लॉक इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज 17, 17 माइनस 1 16। अब इसके बाद आप चाहें आप स्वयं अपने आप करेंगे कि 1/17, 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते करते आपको बता दूं मैं जब 16 डिजिट डेसिमल के बाद आएंगी उसके बाद जो 17th डिजिट आएगी वो फर्स्ट वाली रिपीट फिर से करेगी, 16 डिजिट का ब्लॉक रिपीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। मतलब कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स लिखिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिनका वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसमें पी और क्यू में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे पी और क्यू मैंने यहाँ पर कुछ ये नंबर्स लिखे हैं जिनमें 5 और 2 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 5, 2 10, 5 4, 5 6 16। अब याद रखिएगा नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये ऐसे नंबर हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, कंटिन्यू नहीं है। तो लिख दिया मैंने, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? अब इसमें मुझे बताना ये है कि जो इसमें क्यू है, क्यू 2 5 10 4 16, ये इसमें क्यों जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी क्या विशेष बात यहाँ पर दिख रही है? आप ये देखिए, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, इस 10 को अगर फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 2 × 5, इस 4 को अगर फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 2 × 2, इसको अगर फैक्टराइज करें तो 2 × 2 × 2 × 2। तो अगर कोई नंबर ऐसा है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हो, टर्मिनेटिंग में, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा q, उसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होंगे, 2 5 और बोथ। हियर वी ऑब्जर्व दैट द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स एज 2 5 और बोथ, देयरफॉर q मस्ट हैव 2, 5 और बोथ एज फैक्टर्स। मतलब बात ये है कि अगर कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, उस डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होंगे, उन फैक्टर्स में या तो 2 आएगा या 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। देखिएगा हमें 3 ऐसे नंबर लिखने हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का फॉर्म। कैसे लिखते हैं जरा ये समझिएगा गौर से, बहुत आसान है। पहला 0.40440444, इसके बाद आता तो इस 4 को 4 टाइम लिख देते, फिर 0 लगाते तो 4 को फिर उसके बाद 5 टाइम लिख देते, ऐसे कंटिन्यू रहता।
अब ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डॉट 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 लग गया यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी सेट ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। ऐसे ही इसमें देख लीजिए 17.11 2 11 2 2 11 2 2 2 2 11 1 टाइम 2 11 2 टाइम 2 11 3 टाइम 2 11 4 टाइम 2 फिर 11 5 टाइम 2 ऐसे चलता रहेगा। हम ऐसे कोई भी नंबर बना सकते हैं, इस टाइप के सारे नंबर इरेशनल नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे ही 1.73 7 3 3 7 3 3 3 7 3 3 3 3 ऐसे हम कई बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ से आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5.7 एंड 9.11। 5.7 9.11 ये दो रेशनल नंबर है और इन दोनों रेशनल के बीच में हमें तीन इरेशनल नंबर पता करने हैं। तो सबसे पहले इनको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है इरेशनल नंबर को बी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5/7 अगर 5/7 से डिवाइड करें तो 0.714 ऐसे आता रहेगा। 9/11 को करें तो 0.818181 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, हमें देखिए अब थ्री इरेशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन दिस एंड दिस, हमें इनके इनके बीच में तो इरेशनल चाहिए। तो देखिए 0.71 है ये और ये 81 है, तो 71 और 81 के बीच में आप बहुत कुछ ले सकते हैं। जैसे हम 72 से ही स्टार्ट कर दें तो 0.72 7 7 2 7 7 7 2 7 7 7 7 2 बस आप देखिए 72 आएगा तो 71 और 81 के बीच में ही, बस बाकी बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ऐसे अब बीच में 75 ले लीजिए, 75 ठीक है, 6 6 7 5 6 6 6 7 5 6 6 6 6 आगे फिर 7 5 बस बनाए कुछ भी, बस ऐसा सीक्वेंस दिखे वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीट ना कर रहा हूँ कुछ भी। ऐसे यहाँ पर 0.81 है तो हम 80 8 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 8 बस बहुत आसान है, आप जैसे चाहें वैसे बना ले, बस याद रखें 71 और 81 के बीच में ही रहे, तभी हम इनके इनके बिटवीन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये जो 5 नंबर्स लिखे हैं हमें ये बताना है इनमें से कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो देखिए जब भी स्क्वायर रूट लगा हो तो इन नंबर्स में ऐसा देखिए कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं रखा हुआ है। 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 4 9 16 25 49 36 ये सब नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट 225 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, तो इसके इक्वल में हम 15 लिख सकते हैं। और 15 जो है ये एक रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। बट ये जो है ये हो गया इरेशनल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, अगर रूट लगाए तो ये इरेशनल ही होगा। 0.3796 हमने बताया था रेशनल नंबर्स के दो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग देखिए यहाँ पर डॉट 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 नहीं लगा, यानी ये यहीं पर टर्मिनेट हो गया, तो चूंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसलिए ये रेशनल नंबर हो गया। यहाँ पर देखिए ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डॉट 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 लगा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, 478 478 478 रिपीट हो रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। और ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन भी रेशनल होता है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। और इसे तो बहुत सिंपल है, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे तो कई एग्जांपल हम लोगों ने अभी ये बनाए हैं, ये बनाए हैं, ये बनाए हैं, ये बनाया था, अभी साफ दिख रहा है ये इरेशनल है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये इरेशनल हो गया। और इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 हैज कंप्लीटेड नाउ।